भारत और इसराइल के बीच भले ही रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो ताजगी और गहराई आई, वो किसी भी दुश्मन देश को जलने पर मजबूर कर दे। एक दूसरे के हमेशा से सहयोगी रहे दोनों देशों ने दोस्ती की अद्भुत मिसालें पेश की हैं। अब एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भारत और इजरायल पर्यावरण में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए साथ साथ काम कर रहे हैं। दोनों देश संयुक्त रूप से 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 25% उत्पादन सौर ऊर्जा से करने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। इजरायल और भारत के द्वारा इस क्षेत्र में की गई शुरुआत के बाद अब सभी देश इस पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत के नेतृत्व में काम करने वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही है। इस अलायंस के 80 देश सदस्य हैं। भारत को अक्टूबर में ही दूसरी बार 2 साल के लिए संस्था का अध्यक्ष चुना गया। आईएसए का गठन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान किया था। ये पेरिस जलवायु समझौते को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। खैर, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भारत के प्रयासों ने पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया है। इजरायल का यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ करना भारत के सार्थक प्रयासों को दिखाता है। वैसे भी इजरायल भारत का एक अच्छा दोस्त है जो हर एक मुसीबत में हमेशा साथ खड़ा रहा है। अभी हाल ही में भारत और इजरायल के बीच इजरायली हेरोन ड्रोन की डील की भी बात सामने आई है। हेरोन ड्रोन को चीन से जुड़ी लद्दाख सीमा में तैनात किए जाने की खबर है। इन ड्रोन्स का अधिग्रहण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंजूर की गई वित्तीय पावर के तहत किया जा रहा है। इससे 500 करोड़ रुपए की कीमत वाले सिस्टम और उपकरणों की खरीद की जा सकती है जो किसी भी जंग के लिए सक्षम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।